ये देखिए मारुति सुजुकी की अल्टो 800 है। अब इसका हम हेड खोलने जा रहे हैं, इसमें प्रॉब्लम है बाल की। अब इसको हम खोलने जा रहे हैं, पहले इसका बैटरी का तार हटाएंगे, एक टर्मिनल इसका बैटरी का तार एक हटा देंगे, फिर इसका एयर फिल्टर हटाएंगे। एयर फिल्टर देखिए यहाँ पर 10 नंबर एक बोल्ट होता है, एक यहाँ पर पेच लगता है और एक जे पाइप और एक जे साकेट, इसको हम निकाल देंगे। और यहाँ पर से इतना इसका ऊपर का निकाल देंगे, जब बोर्ड नहीं खोलेंगे आराम से इसके एयर फिल्टर और बैटरी का तार निकाल देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको बताएंगे। इसका हमने बम्पर वो सॉरी एयर फिल्टर और बैटरी का तार हटा दिया है। और इसका खोलने जा रहे हैं बम्पर, जो देखिए 10 नंबर के बोर्ड लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर लगते हैं और एक इसके अंदर बोर्ड लगता है। इसको नंबर प्लेट खोलनी पड़ती है, इसके अंदर बोर्ड लगता है। इसका बम्पर हम खोल देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसके हमने बम्पर खोल दिया है, अब इसका खोलने जा रहे हैं जो SNG का पाइप जो गैस का होता है किट से, इसमें आता है थ्रोटल बॉडी में, इसकी रस की तार खोलेंगे, इसकी वायरिंग निकालेंगे, जो बूस्टर का पाइप निकाल देंगे इसका, और जो वैक्यूम के पाइप निकाल देंगे और इसकी सारी वायरिंग निकाल देंगे हम। ये देखिए सारी वायरिंग और पेट्रोल के पाइप देखिए यहाँ पर लगते हैं, जो वापसी पाइप हो गया और जो मेन पाइप हो गया, इसके दोनों मेन वापसी पाइप निकाल देंगे। और इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर का दो तार निकाल देंगे और इसके जो सिलेंसर का तार निकाल देंगे, फिर आगे की फिटिंग बताएंगे आपको। ये वायरिंग और जो इसकी रेस तार और जो खोल देंगे और वैक्यूम पाइप, फिर आगे की फिटिंग आपको बताएंगे हम। इसकी वायरिंग कहाँ से कहाँ गई है, इधर आई है, इधर से इसमें आई है नीचे। ये देखिए एसी कंप्रेसर की वायरिंग, इसकी एसी सर्किट। इसके वायरिंग निकाल दी, पाइप निकाल दी, इसके पानी का पाइप निकालने जा रहे हैं, क्योंकि पानी का पाइप एक यहाँ पर होता है। ये देखिए यहाँ पर एक पानी का पाइप होता है, जो इसका मेन पाइप यहाँ पर होता है और इसका जो हीटिंग कॉइल जो अंदर जाती है वो ये पाइप होता है यहाँ पर। ऑलरेडी हमने इसको निकाल के रखा है, ये देखिए यहाँ पर लगता है जी, ये दो पाइप हो गए इसके पानी का। इसका हम देखें सिलेंसर के, सिलेंसर खुलने जा रहे हैं। देखिए एक अर्थ इसमें लगता है, अर्थ देखिए जो अर्थ हो गया इसके सिलेंसर का, और सिलेंसर के बोल्ट दो लगते हैं यहाँ पर, 14 नंबर के होते हैं जो, वो दोनों बोल्ट खोल देंगे हम नीचे के सिलेंसर के, फिर आपके आगे की फिटिंग बताएंगे आपको। सिलेंसर खोल दिया है, अब इसकी खोलने जा रहे हैं इधर की फिटिंग। इसकी माउंटिंग खोलेंगे, देखिए 14 नंबर के इसमें बोल्ट लगते हैं माउंटिंग में, ये माउंटिंग खोलेंगे। ऐसे कंप्रेसर खोलेंगे, इसमें तीन बोल्ट लगते हैं 12 नंबर के, ये खोलेंगे। अब इसका जो ब्रैकेट खोल देंगे, जो 12 नंबर का, 12 नंबर इसमें बोल्ट लगते हैं काफ़ी, और इसका अंदर का ब्रैकेट वो खोल देंगे। और इसके जो बाटर वाली पुली खोल देंगे, और इधर इसकी मेन पुली खोल देंगे जो 17 नंबर की होती है, और इसकी जो बेल्ट दोनों उतार देंगे हम, जो ब्रैकेट इसका इतना आइटम खोलेंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको बताएंगे। इसका हमने ब्रैकेट खोल दिया है, ये रखे इसके ये ब्रैकेट और अड्डे हैं इसके। और इसका हम खोलने जा रहे हैं टाइमिंग कवर, टाइमिंग कवर के 10 नंबर बोल्ट लगते हैं कुछ इस टाइप के, इसमें 10 नंबर के 6 बोल्ट लगते हैं, इसको हम खोल देंगे 6 बोल्ट इसके, फिर आपको दिखाएंगे। बोल्ट खोल दें, 2-3 बोल्ट खोल दें इसके, इसका टाइमिंग खोल देंगे, फिर आगे की फिटिंग आपको दिखाएंगे अंदर टाइमिंग इसकी। देखिए हमने इसका टाइमिंग कवर खोल दिया है, इसका टाइमिंग कवर कुछ इस तरीके का होता है। देखिए इसकी ये बेल्ट हो गई, अब इसकी खोलने जा रहे हैं ये कैम पुली जो 17 नंबर का बोल्ट इसमें लगता है, और इसकी जो 6 नंबर एलंकी से इसका जो रजिस्टर ढीला करेंगे, जिसमें 6 नंबर एलंकी का बोल्ट लगता है, यानी इसको रजिस्टर ढीला कर देंगे, इसका 6 नंबर एलंकी बोल्ट बोल्ट ढीला कर देंगे, फिर इसकी जो अंदर की प्लेट खोल लेंगे, कैम की जो पुली निकाल लेंगे, फिर आगे की फिटिंग दिखाएंगे आपको। ये देखिए इसका हमने प्लेट खोल दी और टाइमिंग बेल्ट उतार दी। ये देखिए इसका आइटम रखा, पहले जो प्लेट लगती है इसमें 10 नंबर के 3 बोल्ट लगते हैं, और जो कैम पुली और जो इसकी बेल्ट। अब इसका खोलने जा रहे हैं टेपिट कवर, टेपिट कवर में पहले इसके हम जला बोल्ट खोल लेंगे इधर का जला बोल्ट लूज करके इस प्लेट को साइड में कर देंगे, प्लेट हटा देंगे इधर, फिर 10 नंबर के 6 बोल्ट खोल देंगे, फिर आगे की फिटिंग दिखाएंगे अंदर की। टेबल कवर खोलने जा रहे हैं, इसका हमने टेबल कवर खोल दिया। अब इसका खोलने जा रहे हैं जे इसकी चिड़ियाँ, जे 6 नंबर इसके बोल्ट खोल देंगे, फिर इसके जो 8 नंबर बोल्ट खोलेंगे, इसकी कैम खोलेंगे इसकी, पहले जे इसकी जे पहले खुलती है चिड़ियाँ इसकी,
फिर इसके जी कैम खुलते हैं, 8 नंबर के बोल्ट खुलते हैं, इसके जो चिड़िया खोलेंगे, फिर इसका जो कैम खोलेंगे, फिर आगे की फिटिंग बताएंगे आपको। देखिए इसके हमने कैम चिड़िया खोल दी हैं, अब इसके खोलेंगे हेड के बोल्ट। देखिए इसमें 8 नंबर की गोडी लगती है हेड के बोल्टों में, इसके हेड के बोल्ट होते हैं यहाँ पर, इसके हम सारे हेड के बोल्ट खोल देंगे, फिर बाहर निकाल लेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसमें।